पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का करगहर स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, विधायक विजय कुमार मंडल, पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, भाजपा नेता संतोष पटेल, रालोजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार उर्फ मंटू, समाजसेवी सोनू पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान सभी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि रामधनी बाबू जमीनी नेता थे और उन्होंने जो काम किया है, जिसका छाप उन्होंने समाज पर छोड़ा है, वह हमेशा अन्याय के खिलाफ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनको अनेक पद पर जाने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने शुरुआत जहां से किया उसको उन्होंने कभी भूला। उन्होंने कहा कि जो उनके साथ काम करते थे उनको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, भले परिवार के लोगों को छोड़ दिया। उनको कई बार MLA बनने का मौका भी मिला, विधान परिषद एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रहे। समाज में उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रामधनी बाबू का नाम रहेगा। रामधनी बाबू जमीनी नेता थे और उन्होंने जो काम किया है वो अपनी छाप उन्होंने समाज पर भी छोड़ा है, लोगों पर भी छोड़ा है, इलाके में छोड़ा है और हमेशा अन्याय के खिलाफ, गरीबों को न्याय दिलाने के खिलाफ हमेशा संघर्षरत रहे। उनको अनेक पदों पर जाने का अवसर भी मिला, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत जहाँ से किया था उसको कभी उन्होंने भूला नहीं, कभी छोड़ा नहीं। जो उनके तकलीफ़ में उनके साथ काम किया, जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके समाज में अच्छा काम जो किया उनके साथ, उसको भी वो नहीं छोड़ते थे, उसको भी साथ लेकर के चलते थे। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो लोग उनके साथ काम करते थे उनको कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। परिवार के लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जो साथ रहा उसको कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये उनकी खासियत थी। MLA भी रहने का अवसर मिला, विधान परिषद में भी रहने का अवसर मिला, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। समाज में ऐसा छाप उन्होंने छोड़ा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रामधनी बाबू को इस इलाके के लोग, बिहार के लोग याद करते हैं।